देश भर में महज 1.5 महीने में 3,80,00,000 नए सदस्य बनाए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में पूरे देश में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ थी, जो अब 14,80,00,000 सदस्य हो गए हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पार्टी अपने सदस्यता अभियान की गति तेजी से कर रही है। इसी का परिणाम है कि पार्टी ने देश भर में महज 1.5 महीने में 3,80,00,000 नए सदस्य बनाए हैं। बता दें कि वर्ष 2015 में पूरे देश में बीजेपी सदस्यों की संख्या 11 करोड़ थी, जो अब 14,80,00,000 हो चुकी है। दुमका में बिजली नहीं मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। जी हां, दुमका रामगढ़ प्रखंड में पिछले 1 महीने से बिजली ना होने के कारण ग्रामवासियों ने प्रशासन विभागीय पदाधिकारी के मिलीभगत तानाशाही के खिलाफ आक्रोशित व्यक्त करते हुए रामगढ़ बिजली ऑफिस का घेराव भी किया है, विरोध प्रदर्शन भी की है। बिजली उपभोक्ता का कहना है कि उनके गांव भारसुमर में बिजली का खंभा गिरा हुआ है, जिसकी जानकारी कई बार प्रशासन पदाधिकारी को दिया गया है, लेकिन बिजली के खंभे की मरम्मत नहीं की। गांव वालों ने पैसे चंदा इकट्ठा करके प्राइवेट मिस्त्री से बिजली घर की मरम्मत कराई है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो गांव वालों का कहना है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है गांव वाली कैसी जिंदगी जी रहे हैं। इसके वजह से ही उन्होंने आज बिजली दफ्तर का घेराव व प्रदर्शन किया है। मेरा नाम है सुखलाल मुर्मू जी। रामगढ़ बिजली ऑफिस जो है, आप कौन सा पद पे है सर? यहाँ काजगढ़ अच्छा सर बताइए, जो भालसुमर गांव है, ग्रामीणों का अपोच है कि पूर्ण रूप से उन लोगों को बिजली नहीं मिलती है और प्रशासनिक मिस्त्री द्वारा जो है बिजली का कटौती कर दी जाती है, काट दी जाती है, बिजली इन लोगों को मिलती नहीं है। आखिर मामला क्या है सर? कल मोटा मोटी 7 बजे ब्रेक डाउन हो गया था। अच्छा, मैंने बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा था जी। तो उधर का मिस्त्री धर्मा रोगो जी, तो हम खबर करते हैं तो उन लोग शॉट डाउन लेने लगा। अच्छा, तो शॉट डाउन लेते लेते 10 बजे मैंने इधर उधर खाल खोल के चालू किया। अच्छा, तो कहाँ खुला तो पता नहीं, हमको खबर नहीं दिया है। अच्छा, तो मिस्त्री बता पाएगा। अच्छा, धन्यवाद। बिजली का क्या समस्या था? बिजली का वहाँ 11,000 जो है उसमें मतलब हम लोग का तार जो जर्जर हो गया है, पोल भी पुराना है। अगर हम लोग वही तो तार जो गिर गया, पोल भी 3-4 गिर गया था, बीच बीच में पोल का जरूरत था, तो हम लोग पहले बोले तो पोल दिया नहीं, बोला कि एक ही पोल देंगे, तब किसी तरह 2 पोल दिया। और उसके बाद हम लोग अपने गांव भर में चंदा लगा के तो जब डिया पीटर का जो मिस्त्री है, हम लोग का जो काम करता है, उसको कॉल किए 2-4 दिन, तो वो बोला कि हम अभी फुर्सत में नहीं है। अच्छा, हम दूसरे जगह बिजी हैं, आप लोग किस तरह कीजिएगा आप लोग कीजिए। तो हम लोग अदर मिस्त्री लाए सुरमाहाट से और उससे काम करवाए, उसको हम लोग 13-14,000 रुपया दिए पैसा और काम करवाए, और 11,000 में जितना जो गाछ वृक्ष टच कर रहा था वो सब कटाई किए। क्या इस बारे में आपने प्रशासनिक विभाग को जानकारी दिया था? सर, दिया बिजली बिजली विभाग को, बिजली विभाग को दिया था। ये दिया, तार दिया हमको 3 बंडल, 3 पुराना तार जो फेंकाया हुआ है वो तार दिया है, ब्रैकेट 3 दिया है। अच्छा, चलिए, तो अभी प्रशासनिक स्तर से मरम्मत के लिए आप लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई? नहीं, कुछ नहीं। और जितने भी आप लोग खर्चा जो किए तो अपना गांव के पैसा कनेक्शन करके? हाँ, पैसा कनेक्शन। अच्छा।